अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में भारी बारिश के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 4 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 6 सितंबर तक कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जमकर बादल बरसेंगे। IMD के मुताबिक 5 सितंबर से मध्य भारत में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं इस दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं। उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में शुक्रवार तक अच्छी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि ओडिशा में भी 3 से 6 सितंबर के बीच व्यापक वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी बारिश की संभावनाएं हैं। बीते 2 दिनों से बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश थमी हुई है। इससे पहले लगातार कई दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रही थी। वहीं अगस्त में पूरे भारत में सामान्य से 24% कम वर्षा हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो सितंबर में अच्छी मानसूनी बारिश होने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि मानसून सीजन में हुई कम बारिश का कोटा सितंबर में होने वाली बारिश से पूरा हो जाएगा। सितंबर मानसून सीजन का आखिरी महीना है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सितंबर में ज्यादा बारिश होती है तो इससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। इस वक्त धान में बालियां बनने लगती हैं और पौधे भारी हो जाते हैं, ऐसे में उनके गिरने का डर रहेगा और सितंबर अंत तक बारिश होने से खेत में नमी की मात्रा काफी बढ़ जाएगी, जिससे धान की कटाई में और फिर रबी फसलों की बुआई में देरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।